ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में रोहित रोहित और विद्या छोड़ देंगे पोदार हाउस। यहाँ आपको पता होगा कि रोहित को पता चल गया है कि अबीरा की माँ अक्सरा है और वो अपनी माँ का कातिल अक्सरा को मानती है। ये सुनने के बाद रोहित अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती, साथ में रोहित भी हैं। जहाँ पर अबीरा जाती हैं और दरवाजे पर करती हैं, खटखटाती हैं और कहती हैं रोहित प्लीज़ दरवाजे को खोलो। जहाँ पर भाई रोहित को कहती हैं प्लीज़ अबीरा को कहो कि यहाँ से चली जाए, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख ना चाहते हूँ। जहाँ पर रोहित बाद में कहते हैं भाई अरमान को कहते हैं कि अरमान प्लीज अबीरा को लेकर यहाँ से चले जाइए। जहाँ पर भाई बात करें तो अरमान कहते हैं अबीरा तुम पर कोई यकीन नहीं करा है, लेकिन मैं तुम पर यकीन करता हूँ कि तुम्हारी माँ कातिल नहीं है। उसके बाद क्या भाई रोहित बाहर आती हैं और बात करें तो सारा कुछ ड्रामा वगैरह करने लग जाती हैं और कहती हैं या तो घर में अबीरा रहेगी या रहूँगी मैं, आप दोनों में से एक को चूज कर लो मासा। जहाँ पर मासा कहती हैं इतना ही तुम्हें तकलीफ हो रही है तो चले जाओ, रोहित और रूही को कहती है। लेकिन भाई बात तो विद्या आ जाती है बीच में, मासा ये मेरा परिवार है, आपका परिवार होता होगा ये, लेकिन मेरा परिवार मेरी बहू और मेरी बेटा रोहित हैं और ये कहाँ रहेंगे ये मैं फैसला करूंगी, आप फैसला नहीं करेंगे मासा। उसके बाद भाई क्या करती हैं मासा कहती हैं तो विद्या अपनी दोस्तों बात कर दो, फैमिली को लो बैग पैक करो और सलता नाश्ता नापो। यहाँ इस तरीके की बात कहती हुई नजर आती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले एपिसोड में धमाधम मचने वाला है? क्या विद्या सच में छोड़ देगी घर या दोस्तों मासा फिर से कोई खेल करके बात करें तो एक साथ रहने के लिए माना देगी? जिया जिस तरीके से अरमान और अबीरा को मनाया, जिया दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।